हाय गाइस, वेलकम अगेन। तो ये जो ब्लॉग होगा मनगढ़ का होगा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम लोग जा रहे हैं घूमने, और हमारे साथ कुछ दोस्त भी हैं पीछे बैठे हुए, दो चूतिए और हमारे ड्राइवर साहब काफ़ी ज़्यादा स्पीड गाड़ी चलाने वाले, ज्ञानवीर सिंह जी। और बाय द वे ये भी टीचर हैं, शॉर्ट हैंड पढ़ाते हैं। इनका क्लास का नाम है, सर आपका क्लास का नाम क्या है? जीवीएस क्लासेस। प्रमोशन हो रहा है लेकिन पैसा एक रुपया नहीं देने वाला, ये लौंडा चूतिया इंसान है। चलिए रोड दिखाते हैं, रोड पे कुछ अच्छी अच्छी कन्याएं दिखेंगी, कुछ अच्छे अच्छे बहुत सारे। मनगढ़ की कहानी बताऊंगा, अभी बताओ मनगढ़ कितने देर में पहुँचेंगे हम लोग? सवा डेढ़ घंटे। और ये जो हम लोग यहाँ पे इलाहाबाद सिविल लाइन से निकले हुए हैं, और कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? यहाँ से 50, बस 50, 55 किलोमीटर दूर जाएंगे, और फिर वहाँ से कुछ नाइट स्टे भी हो सकता है या नहीं भी, क्योंकि कल कट गया, कोई मैसेज नहीं आया फिलहाल इस पे। काट दिए इस तौर तो आया तो 300 रुपये नहीं आया, तो 300 भेजा है। 300 रुपये? अरे नहीं, पुराना 300 तो भेजे गए। पुलिस की गाड़ी थी पहले जाते थे, वर्दी पहना है। तुम पास ले रहे हो तो हम कहने लगे। सही बात, आधा कुछ बोली और क्या, उच्च न्यायालय गाड़ी, जज साहब की गाड़ी, हमारे नीरज भाई का अभी थोड़ा देर बाद कार चलाएंगे, मौत की गारंटी नहीं है, किसी की मौत कभी भी आ सकती है चलाने के बाद। आप इस ट्रिप के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जहाँ जा रहे कैसा है, किस तरह से जा रहे? पहली बार। अब ये बताओ आप गए हैं पहली, इससे पहले कभी गए हैं? तब आप बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है पिछले इस बार, इस बार से? तो बढ़िया था, अब देखते हैं आगे क्या। मतलब आप खराब हो जाएगा? नहीं नहीं क्या अरे
बताओ बताओ सर, शर्मा कह रहे हो बे? मैं चिप्स लेना है सामने सर ही देखा, हां मैं देखते हैं क्या है कैसा है। ठीक है अनवीर, सुनने में तो आया है भाई काफी अच्छा है। अच्छा ना, नीरज भाई से, नीरज भाई को थोड़ा माइक दिया जाए, उन्हें पूछा जाए क्या बात है। नीरज भाई शर्मा कह रहे हो बे? ये लड़कियों की तरह शर्मा भक्ति मंदिर 11 किलोमीटर भक्ति मंदिर 11 किलोमीटर है। वाह निकले थे कितने बजे, किस टाइम क्या हो रहा है? ओ हम लोग मतलब मान ली ऐसे एक घंटे में लोग पहुंच जाएंगे। अब 10 किलोमीटर से बचे हैं मनगढ़ के लिए। ये ब्लॉगिंग वाले, हाँ बताइए सर, ब्लॉगिंग चल रही क्या तुम्हारी? हाँ बिल्कुल, हम लोग कहाँ पे आ गए सर? चाय पीने के लिए। चाय पियेंगे और देखेंगे क्या क्या है। एक बार नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने सब कुछ एनर्जी ले ली है। अब मेरे साथ मेरा ड्राइवर, मेरा कार नहीं, इसी का कार है। ए ज्ञानवीर, मेरा ड्राइवर है और मेरी कार है। और रिकॉर्डिंग जिससे कर रहा है वो मेरा फ़ोन है। अरे नहीं, चाहे जिसका फ़ोन हो यार, कौन देख रहा है? तुम्हारा फ़ोन थोड़ी है, मेरा फ़ोन है। तुम टेम्पो चलाओगे? ठीक है ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। ठीक है क्या गाइस, कैसे है ड्राइवर? ठीक है ना, गाड़ी चला रहा है ठीक ठाक ना? बताओ इसकी नौकरी से निकलवा दे, नौकरी से निकलवा दे, बताओ। समझ गए, नौकरी ढंग से कर लो, नहीं निकल जाओगे नौकरी से। अंदर मार खाने की लालसा क्यों दिख रही है मुझे? लोग आज एक प्रैंक बना ली, प्रैंक वीडियो कैसे? अरे तो थोड़ा बहुत थीम सोच ला। अभी ये भाई साहब कह रहे हैं, शिवम भाई कह रहे हैं प्रैंक वीडियो बनाने का। इनके साथ प्रैंक हो चुका है, क्योंकि सच बताओ तो गाड़ी इनकी है और ये खुद सबको ले चल रहे हैं घूमने, मुफ्त में हम लोग घूमने चल रहे हैं। तो अब चले आगे की तरफ, बात करते हैं अमीर रास्ते में। यहाँ पे सब अपने अपने फोटो खिंचवाने में लगे पड़े हैं। हम फिर से चल चुके हैं। ठीक है, हाँ भाई, अब सीधे गाड़ी रुकेगी वहीं पे मनगढ़ बीच में, फाइनल डेस्टिनेशन पे। हाँ फाइनल डेस्टिनेशन पे, ऐसा कोई संभावना नहीं है बीच में रुक जाए, बस ड्राइवर का मूड सही हो और सुरक्षित हम पहुंच जाए। डॉक्टर है हम लोग डिस्कनेक्शन में पहुंच गए हैं और हमारे दोस्त यार भी सारे आ चुके हैं। हमारी कार पार्किंग में खड़ी हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी क्योंकि यहाँ पार्किंग बहुत ज़्यादा हो रखी है। पीछे की तरफ है सब कुछ, पार्किंग इधर है और पार्किंग में बहुत सारी कार्स हैं और बाइक पार्किंग में बाइक सारी हैं। तो अभी बताओ गाइस, इधर बताओ, कोई बताए हम लोग इधर से कहाँ चलेंगे? शिवम भाई अब तो हम लोग कहाँ चलेंगे यहाँ से पार्किंग करने के बाद? बस पार्किंग बाद हम लोग यहाँ सीधे रोड पे जाएंगे, फिर अंदर चलेंगे मंदिर के अंदर। तो अभी चलेंगे हम मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर कैमरा वमरा अलाउ है ले जाना? कैमरा अलाउ है, मूर्ति की फोटो खींचना। अच्छा ठीक है ठीक, मतलब प्रॉपर मंदिर में परिसर में ले सकते हैं, लेकिन अंदर जो एक्चुअल मंदिर है वहाँ ले जाना पाबंदी है, वहाँ कैमरा नहीं ले जा सकते। तो हम लोग बाहर से कुछ फोटो क्लिक करेंगे और फोटो दिखाएंगे आपको अपने नलायक घुमक्कड़ पेज पे, तो जरूर विजिट कीजिएगा फोटो देखने के लिए। और चलते हैं हम मंदिर की तरफ। हम लोग हैं इस वक्त मंदिर के बाहर, मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, DSLR फोन तो ले जा सकते हैं। तो देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लोग DCM से किसी व्हीकल से आ रहे हैं श्री कृष्ण जी के दर्शन करने, और जन्माष्टमी का माहौल है और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग जाएंगे अंदर, भीड़ भी देखेंगे और भीड़ में कितना रस है वो भी देखेंगे, और अंदर का माहौल, मंदिर की सुंदरता देखेंगे। अभी दिन है, अभी रात में लाइट जलेगी तो वो भी देखेंगे। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग एंट्री करेंगे, तो आपको ले चलते हैं।
मैं इस वक्त अंदर आ गया हूँ मंदिर के। तो मंदिर की एंट्री करते ही काफ़ी ज़्यादा सुंदरता हरियाली देखने को मिली है मुझे। आई होप अंदर भी ऐसे हरियाली होगी। हम थोड़ा देर में अंदर और भी अंदर पहुँचेंगे तो आपको दिखाते हैं अंदर। देखिए मेरे आगे कभी माता का लाना एवं जीवन फूल तैयार हुआ है। राधे राधे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन महोत्सव पर आप सभी का का दृश्य कुछ और ही है। आंखों पे धूप चमक लग रही है। अब अंदर का धूप काला काला आपको दिख रहा होगा क्योंकि सनलाइट उधर से अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। अंदर का काफी सूरत है। Hey guys, मैं इस वक्त मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। मंदिर के अंदर नहीं, प्रॉपर जो बाहर का दृश्य होता है। तो मेरे पीछे कुछ आप देख रहे हैं कि कुछ मूर्ति जैसी बनी हुई है। तो वहाँ पे क्या है कि कृष्ण जी के जन्म से लेकर जो फिर उनके बड़े होने तक जो जो उनके साथ घटना घटी है, माखन तोड़ने का या फिर कंस मामा के भेजे गए असुर द्वारा मारने जाने का, सारा दृश्य इसमें दर्शाया गया हुआ है। तो आपको मैं उधर ले चलूँगा, आप देखेंगे वहाँ पे कि दृश्य कौन कौन से हैं। आपको दिखाऊँगा श्री कृष्ण के जन्म से जहाँ जेल में हुई थी उनकी, कहते हैं, तो मैं आपको वहीं ले चलूँगा। श्री कृष्ण जहाँ जन्म होता है वो दृश्य दिखाऊँगा, वहाँ से लेकर जहाँ जो जो घटनाएँ घटी हुई हैं वो आपको प्रेजेंट करेंगे। Oh,
शक्ति धाम मंदिर है ये गाइस, और काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति है, बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे मेरे वीडियो देखने वाले जो आ चुके होंगे, लेकिन सच लिटरली बोल रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति है, काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है यहाँ पे, टेक्सचर्स काफ़ी अच्छे हैं। और मेरे पीछे जो है भक्ति मंदिर है, और यहाँ पे जो मेरे जस्ट ये पीछे है ये मंदिर कृपालु महाराज जी की वहाँ पे मूर्ति रखी हुई है, और वहाँ पे जैसे लगते हैं साक्षात बैठे हुए हैं, तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। इसके बाद अभी फ़िलहाल अभी तो लाइट्स नहीं जल रही है, अभी डे का टाइम है तो उजाला है, अब इसके बाद अभी लाइट जलेगी, लाइट जलते ही कितना खूबसूरत लगेगा देखिएगा मेरे साथ, और मंदिर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगा, और इधर भी एक मंदिर है। सो इस वक्त हम लोग बैठे हैं, ये कौन सा भवन है, भक्ति भवन, भक्ति भवन के, भक्ति भवन, ये भक्ति भवन के नीचे बैठे हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो अभी सबसे पूछते हैं, लगता है वह काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं, पहले पूछते अपने गुलशन भाई से। तो गुलशन भाई बताइए, आपका यहाँ कितनी बार आना हुआ है? मेरा तीसरी बार है। इनका ये तीसरी बार है, और इससे पहले आपने कुछ बताओ देखा या फिर सेम टू सेम? 2008 में आया था तो मतलब कुछ भी नहीं था यहाँ था, और दूसरी बार जब लास्ट ईयर आया था तभी मतलब यहाँ पे समझिए 50% चीज़ें और बढ़ गई हैं। तो मतलब आपका ये कहना है कि हर साल यहाँ पे डेवलपमेंट होता रहता है, मतलब इस साल कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा है। अब मैं भी देख रहा हूँ पीछे के साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो मेरे एक दोस्त ने कहा था कि यहाँ पे हर साल बढ़ता रहता है डेकोरेशन, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। 100 साल भी हो गए इसके। अच्छा, इससे 100 साल भी हो गए, मुझे पता नहीं था कि भाई ने बताया कि यहाँ के 100 साल हो गए हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रखा है, जो 3 साल पहले आया था कह रहा था कि लगता है 50% ज़्यादा ही डेवलप हो गया, हो चुका है यहाँ पे। तो अभी और लोगों से पूछता हूँ कि क्या इनका राय है, जैसे अभी ये मेरे दोस्त प्रभो जी हैं, तो इनसे पूछते हैं कि क्या इनका है। तो ये बताइए, आप कितनी बार आ चुके हैं? ये मेरा पहली बार है, पर गजब का दृश्य है, बहुत अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। अच्छा, काफी सुंदर नजारा, जैसे हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं, हमारे आगे भी हर जगह हरियाली 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 है। तो जैसे श्री कृष्ण जी ने लीला लक्षण रचाया था, सेम ये भी कर रहे हैं कि मैं भी रीना चाहूंगा यहाँ पे आके। इनका पहला फर्स्ट टाइम है, और मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, 2-3 दोस्त हैं जो कई बार आ चुके हैं, इनका सेकंड थर्ड टाइम है, तो उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट क्या हुई है और क्या सुंदरता बढ़ी है। हमारे शिवम भाई, शिवम नाम है ना, शिवम भाई, तो ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे 10-12 बार आ चुका हूँ। तो ये बताइए शिवम जी, यहाँ पे 10-12 बार आने के बाद इससे पहले कब आए थे आप? हम सबसे पहली बार आए थे 2013 में। अच्छा, 2013 में। उसके बाद फिर हम लगातार हर 6 महीने साल घूमने के लिए चले आते, जब भी मन होता तब। 2013 में जो जैसा था वैसा ही है, कुछ बदलाव हुआ है? उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए, ये आप सामने मंदिर देख रहे, ये अभी नई बनी, ये सब पूरा सारा चीज नया बना। जब हम पहली बार आए थे तो केवल वो मंदिर बनी थी जो मेन मंदिर है, और ये बना था, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं था, पूरा एकदम चेंज था। जैसे इन लोगों का कहना है कि 2013 में इन्होंने आया था और कहा कि केवल 2 मंदिर यहाँ बना था, और डेवलपमेंट होता जा रहा है प्रॉपर तरीके से पर डे, और मेरे पीछे भी कुछ काम हो रहे हैं, मेरे सामने भी काम हो रहे हैं, हर एरिया में यहाँ काम ही चल रहा है। और कह रहे हैं कि ये जो पीछे की तरफ है व्हाइट मंदिर आपने देखा था, वो भी इनके आते वक्त ही बना था जब ये आ रहे थे, और पीछे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है ये, भक्ति भवन के नाम से जानते हैं। हम लोग यहाँ पर बैठ के आराम कर रहे हैं, अभी लाइट जलने के इंतजार में है, लाइट जल जाएगी उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर के अंदर, और जलने के बाद, और कह रहे हैं कि लाइट जलने के बाद नज़ारा ही कुछ अलग होगी। तो अभी लाइट जलने पे टाइम है, क्योंकि अभी दिन है, तो चलते हैं तब तक इधर उधर घूम के देखते हैं क्या है लोग। हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग देखें कि मेरे गाँव के लोग कुछ लोग आए हुए हैं, तो आप लोग से मिलाता हूँ। ये मेरे सारे गाँव वाले हैं, हाय, ये मेरे सारे गाँव वाले हैं, मिल के अच्छा लगा। यहाँ पे सरप्राइजिंग था कि कुछ लोग यहाँ के मेरे गांव वाले आए, तो इनके साथ भी चलेंगे, घूमेंगे, मंदिर में देखेंगे, और रात में जो लाइट जलेंगे उसके भी इंतजार कर रहा हूँ। तो चलते हैं, थोड़ा देर बाद मिलते हैं, तब तक जियो। सो गाइस, हम लोग बाहर आ चुके हैं, अभी लाइट जल रही है, तो भूख लग गया था तो इसलिए कुछ खाने के लिए बाहर चले आए, अभी खाने के बाद फिर चलेंगे अंदर, फिर शूट करेंगे। भाई लाइट जल चुका है मेरे पीछे, देख सकते हैं आप, अभी हम अंदर चल रहे हैं, तो आपको दिखाएंगे मंदिर लाइटिंग में कैसा दिखता है, बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत दिखता है, मैंने फोटोज देखी थी, अब एक्चुअल में जाके देखूंगा कि दिखता कैसा है। तो चलते हैं अंदर की तरफ।
मनगढ़ धाम की सुंदरता रात को देखने लायक होती है। रात में कितनी चकाचौंध रोशनी लाइट से सजा होता है भव्य मंदिर। और मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंदिर कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये मनगढ़ का। मेरे पीछे देखिए, ये पीछे भक्ति धाम मंदिर है जो काफ़ी ज़्यादा लाइटों से चमक रहा है। मैं आपको उसकी तरफ ले चलूँगा, तो देखिएगा मंदिर। ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, अंदर फोन नहीं ले जाने दिया बट मैंने शूट किया है किसी तरह। तो देखना मेरे इंस्टाग्राम पे, वहाँ मिल जाएगा आपको ये ब्लॉग का वीडियो जो मैंने शूट किया यहाँ अंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा ही। और प्रॉपर 8 बजने के बाद मंदिर सारा बंद हो जाता है, जितना सारे कपाट होते हैं सारे बंद हो जाते हैं। तो अब हमें निकलना होगा घर की तरफ। तो आप भी जब विजिट करने आइए टाइम से आइए, ताकि 8 बजे से पहले आपको मंदिर में दर्शन करने का मिल जाए और मंदिर की सुंदरता को देखने को मिल जाए। तो अब चलते हैं घर की तरफ, ऐसे मिलते रहेंगे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू।